ऑब्जेक्टिव नंबर 7 में अब हम सबसे पहले पहली मरतबा रेपिटेशन के ऊपर आएंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका। अ प्रोग्राम विच इनपुट्स थ्री नंबर्स एंड फाइंड्स सॉरी हाँ एंड रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू अमंग देम। ये प्रोग्राम मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स के साथ चल रहा हूँ। आखिर में जब हम एग्जांपल नंबर 30 पे पहुंचेंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। कोशिश अभी मेरी ये है कि एक वक्त में एक नई डायमेंशन ऐड करो अपने हर प्रोग्राम में। ठीक है, तो चले आते हैं इसके एल्गोरिथम के ऊपर। इसका स्यूडो कोड क्या लिखेंगे? तीन नंबर्स इनपुट लेना है और हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, दो तरीकों से काम हो सकता है। यानी आप या तो तीन अलग अलग वेरिएबल्स लें, ठीक है, और फिर तीनों को आपस में कंपेयर करवाएं। दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या होगा, आप एक लूप ले लें। एक लूप में आप जो है वो वैल्यूज इनपुट लेते जाएं और हाईएस्ट वैल्यू जो भी वो रिकॉर्ड कर लें। क्या, तो हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? हम दूसरी अप्रोच यूज करेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं भाई तीन नंबर है ना, चलें इसको बिलफर्स 5 कर लेते हैं। 5 नंबर इनपुट लेता है और हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने फंक्शन का नाम रखना है मैक्स वैल्यू। ना हमें 5 नंबर्स इनपुट लेने। ठीक है, प्रोग्राम को इससे गर्ज नहीं है कि आपने नंबर प्रिंट करने हैं, उनके साथ क्या करना है। हाँ, प्रोग्राम सिर्फ ये मांग रहा है आपसे कि हाईएस्ट वैल्यू दे रिटर्न करनी है बस। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी मैं कहता हूँ सेट मैक्स इक्वल्स टू -1 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब 5 नंबर्स मैं इनपुट लेने लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लूप लगा सकता हूँ एक व्हाइल आई इज लेस देन 5 डू समथिंग। लेकिन आई जो वेरिएबल है ये भी हमें लेना है, तो क्या हम एक वेरिएबल ले लें 0 से इनिशिएट करवा के? ठीक है, अच्छा मैंने क्या कहा, जब तक आई 5 से नीचे कम नहीं है ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, तो 5 मरतबा ये लूप चलेगा। 5 मरतबा इस वाई के अंदर जितनी कंडीशंस हैं, जितने स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी। ठीक है, अब मैं पहली स्टेटमेंट रन करता हूँ इनपुट, तो मुझे नंबर्स इनपुट लेने नंबर। जो भी मेरे पास इनपुट नंबर आया है मुझे तो ये देखना है क्या मैक्स की वैल्यू बड़ी है या इस नंबर की वैल्यू बड़ी है। अगर मैक्स बड़ा है कोई बात नहीं जाने दो, अगर ये नंबर बड़ा है तो मैक्स में ये नंबर स्टोर करवा दो। सही, तो मैं ये कहूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, यानी करंट जो मैक्सिमम की वैल्यू है, देन डू व्हाट, मैक्स नाउ बिकम्स दिस नंबर। लेकिन साथ साथ एक और भी काम होगा, जाहिर है आई इक्वल्स टू आई +1, आई में इंक्रीमेंट होगा वरना ये लूप कभी एंड नहीं होने वाला। ठीक है, तो सिंपली पुट जब ये 5 मरतबा रन होगा प्रोग्राम, हर मरतबा एक नंबर इनपुट ले रहे हैं हम यूजर से, और चेक करें क्या वो इनपुट नंबर मैक्स वैल्यू जो अब तक मिल चुकी है उससे बड़ी है या नहीं। अगर एक नंबर जो इनपुट हुआ है वो बड़ा है मैक्स से, तो मैक्स की जगह वो नंबर लिखता हूँ। इस तरह से जब ये लूप खत्म होगा तो मैक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी जो सबसे बड़ा यूजर ने इनपुट किया है पांचों आइटरेशन के थ्रू, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे मैक्स। इस प्रोग्राम में ये लिख दूं विच इनपुट्स एन नंबर्स,
एंड रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू अमंग देम। तो इस एन को मुझे एज अ पैरामीटर लेना होगा, और ये आई की जो लिमिट है वो मैं एन कर दूंगा कि आई जो है वो एन तक चले, लेकिन फिलहाल हम इसमें नहीं जाते, फिलहाल हम एक कॉन्स्टेंट ही रखते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली 5 मरतबा ये लूप चलेगा और मैक्सिमम ये नंबर कैलकुलेट कर लेगा। टॉक अबाउट कोड। अच्छा, कोड लिखने का प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के एग्जाम्पल्स हैं, तो जरूरत नहीं इतना ज्यादा जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग की। तो यू कैन राइट ऑन योर ओन, ये फंक्शंस बहुत इजी हैं। जब कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम इंशाल्लाह कोड भी देखेंगे उनका। ठीक है, तो मैं जरा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ। चलिए, सोर्स कोड आ गया आपके पास। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अच्छा, अब यहाँ पे अब गौर करें तो कुछ चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, सेट मैक्स, ये एक से एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये तीसरी स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जो एक एक मरतबा रन हो रही है। ये जो कंडीशन मैच होने वाली स्टेटमेंट है, ये कितनी मरतबा रन होगी? ये रन होगी 5 मरतबा। पहली मरतबा जब आई की वैल्यू 0 थी, दूसरी मरतबा जब 1 थी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइम जब ये चेक करेगा, इसके अंदर स्टेटमेंट्स जो है वो कितनी मरतबा रन होगी, और ये जो कंडीशन चेक हो रही है ये कितनी मरतबा रन होगी। इन दोनों में डिफरेंस है एक का। क्यों? क्योंकि आई इज लेस देन 5, ये स्टेटमेंट चेक कितनी मरतबा होगी? 6 मरतबा चेक होगी। पहले जब आई की वैल्यू 0 थी, फिर 1, 2, 3, 4, और आई की वैल्यू जब 5 थी, तो टोटल 6 मरतबा ये स्टेटमेंट रन होगी। अलबत्ता इसके अंदर जो लिखा है ये कितनी मरतबा रन होगा, ये 5 मरतबा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, बल्कि मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि ये स्टेटमेंट रन हो रही है। ये स्टेटमेंट रन हो रही है 1 टाइम, ये रन हो रही है 6 टाइम्स, इसके अंदर ये स्टेटमेंट 5 मरतबा रन हो रही है, ये कंडीशन चेक हो रही है 5 मरतबा, और वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे हमारा डिटरमिन हो जाता है, हम इसको भी कह रहे हैं 5 मरतबा, और ये क्यों कह रहे हैं, ये भी 5 मरतबा रन होगा। देखें, इस केस में बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस सिनेरियो, ये टोटल आउटर लूप तो चलना है 5 मरतबा, ये यानी ये तीन स्टेटमेंट्स रन होंगी 5 मरतबा। लेकिन अगर बेस्ट केस सिनेरियो है हमारा, तो बेस्ट केस सिनेरियो में जो पहला ही नंबर यूजर एंटर करेगा वो कौन सा होगा? हाईएस्ट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने नंबर एंटर करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर सबसे पहले यूजर 5 एंटर कर दे, तो ये इफ के अंदर जाएगा 1 मरतबा सिर्फ। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसके बाद जो भी नंबर्स वो एंटर कर रहा है वो कंडीशन तो 5 मरतबा चेक हो रही है, लेकिन कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है ट्रू होने पे ये हर बार रन नहीं हो रही, तो ये तो इसी मरतबा रन होगी बेस्ट केस सिनेरियो में। लेकिन हमने बात की कि हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं, कि यूजर ने हर वैल्यू जो एंटर की है वो पिछली वैल्यू से बड़ी थी, तो उस केस में क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी 5 मरतबा चलेगी। एंड देन फाइनली हमारे पास ये रिटर्न की स्टेटमेंट 1 मरतबा चल रही, तो टोटल अब हमें इनको काउंट कर लेना है। ठीक है, हम कह रहे हैं टी ऑफ एफ इज इक्वल टू व्हाट, 1 + 1 + 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1।
हमने सारे काउंट कर दिए। देखिए हमारे पास क्योंकि ये पांच कांस्टेंट है ना, फाइव, इस वजह से अंदर हमने लिखा फाइव फाइव। अगर यहाँ पे लिखा होता 10 तो हम यहाँ पे 10 लिख देते, ठीक है। तो ये चूंकि हमारे पास सारे चले आ रहे हैं कॉन्स्टेंट, इस वजह से हमने कॉन्स्टेंट नंबर ही लिखा है। अब इन सबको हम लोग एड कर दें, कितना बना टोटल 20 और 29, तो वी हैव 29, ठीक है। हमारा कन्वेंशन ठीक है, फॉलोइंग नहीं। सो 29 टाइम, 29 यूनिट्स ऑफ टाइम ये प्रोग्राम लेगा किसी भी केस में, यानी यूजर जो भी इनपुट करता रहे अंदर, क्योंकि वो इनपुट की स्टेटमेंट फिक्स हमने कर दी पांच, तो इस वजह से ये प्रोग्राम लेगा 29 टाइम्स। बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, हमें लग रहा है लूप, ठीक है, यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, लेकिन ये लूप जो चल रहा है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, तो कभी कहीं ये नहीं जहन में आ जाए कि नहीं यहाँ पे तो एन होना चाहिए, भाई एन है ही नहीं सिरे से, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अपर बाउंड की, तो वंस अगेन हमारे पास अपर बाउंड आएगा एगो ऑफ सी कॉन्स्टेंट होगा, ये भी हमारे पास कॉन्स्टेंट का केस है। अब लिहाजा यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि अगर आपने देखा ना लूप चल रहा है भाई, तो तो था कि बस मतलब वैसे ही नहीं आपने जो है वो डिसाइड कर लेना कि ठीक है लूप है ना, इसका मतलब है कि दिस शुड बी बिग ऑफ एन और एन स्क्वायर या कुछ भी, और नहीं आप देखें लूप कितनी मरतबा चल रहा है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स है, कोई बात नहीं, फिक्स का मतलब है ये कॉन्स्टेंट है। अब इसके अंदर जो भी चल रहा है वो कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ही चल रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी हैव अ कॉन्स्टेंट टाइम अपर बाउंड, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एक और एग्जांपल, और यहाँ पे हमने पहली मरतबा लूप इंट्रोड्यूस किया, लेकिन लूप इंट्रोड्यूस होने के बाद भी हम आपने देखा कि जो अपर बाउंड था वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अ प्रोग्राम विच इनपुट्स मार्क्स ऑफ एन सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 एंड डज व्हाट, प्रिंट्स दी एक्वायर्ड ग्रेड फॉर ईच सब्जेक्ट, सी सी प्लस डी बी प्लस या ए, कोड लेते हैं ना फॉर्मली। चलें इस फंक्शन का कोई नाम होगा, प्रिंट ग्रेड्स, और ये अपने पास एक पैरामीटर लेगा एन। एन क्या है, प्रिंट्स द ग्रेड एक्वायर्ड इन ईच सब्जेक्ट वेयर एन इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। चले हम आते हैं रीस्टार्ट नंबरिंग। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे हम देखेंगे इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो देन व्हाट, एक्चुअली यू कर लेते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन ओनली देन रन द प्रोग्राम। अब हमारे पास एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा हम एक लूप रन करेंगे एन तक, ठीक है। अगर पांच सब्जेक्ट्स यूजर ने बताए हैं तो पांच पांच सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग चलाएंगे ना लूप। तो सबसे पहले तो मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 फॉर वन, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, और मैं कहूंगा व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एन
डू वॉट एवर यू आर डूइंग। अच्छा आपको ये पता है कि एक स्टेटमेंट तो उसमें आई की इंक्रीमेंट की आएगी, ठीक है। इससे पहले कि हम वो भूल जाए वो हम बात के लिए रख लेते हैं। नाउ व्हाट, हमारे पास ग्रेड्स हैं जो यूजर ने एंटर करना है। हम ये नहीं कह रहे कि सब्जेक्ट का नाम एंटर करो या कुछ भी, और हमने कहा सीधा सीधा इनपुट करना है क्या, मार्क्स और एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, इफ मार्क्स आर लेस देन 0 और मार्क्स आर ग्रेटर देन 100 देन। हम कह रहे हैं कोई बात नहीं जाने दो कंटिन्यू, या सिंपली हम कह रहे हैं राइट इन वैलिड नंबर, ठीक है। अदरवाइज हम डिसाइड करना है कि यूजर ने मार्क्स एंटर किए वो हमारी ग्रेड्स में किस कैटेगरी में आ रहा है, तो वी नो कि सी ग्रेड कब आता है, ई ग्रेड कब आता है एंड सो ऑन। वैसे ही हम लोग लिख देते हैं पूरी एक लिस्ट, इफ मार्क्स आर लेस देन 16 देन एफ। एंड सो ऑन, मतलब ये तो उसके बाद तो सीधा सीधा हमारे पास जो क्राइटेरिया है सारे ग्रेड्स का वो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इजीली। इफ मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 65 देन राइट सी, एक्चुअली ये डी है, डी है ऐसे वॉट एवर, लेट्स कॉपी पेस्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग वो नहीं दे रहे, रेंज नहीं दे रहे, बिकॉज हमें पता है ये स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इस स्टेटमेंट पे आएंगे, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट पे आएंगे, ठीक है। तो ये एल्स इफ के साथ हम लोग चलें, अगर एल्स हटा दें सिर्फ इफ देखें तो हमें पूरा दोनों रेंजेस देनी पड़ेंगी अपर और लोअर लिमिट, ठीक है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम हमारा सी प्लस, हाँ सी प्लस जाता है 71 तक, ठीक है। और बी ग्रेड हमारा होता है 77 तक, बी प्लस होता है 86 तक, फाइनली एल्स राइट व्हाट ए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है हमारा, दैट्स इट, कुछ रिटर्न नहीं करवाने इसमें। हाँ ऑब्जेक्टिव हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 सबके मार्क्स इनपुट करने हैं और प्रिंट करना है क्या एक्वायर्ड ग्रेड फॉर ईच सब्जेक्ट, बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा बिकॉज हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। अब अगर इसको देखें कोड अगेन बिल्कुल वो भी कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कोड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये भी इजी प्रोग्राम है। तो जनाब ये सोर्स कोड आ गया हमारे पास। अच्छा एनालिसिस से पहले एक चीज, ये जितने प्रोग्राम्स हैं सी शार्प पे मैंने लिखे हैं आप इन्हें रन जरूर कीजिएगा, ठीक है, और इनके साथ
सी शार्प के साथ फेमिलियर नहीं है या यू नॉट हैंडी, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें पाइथन पे या एल्गोरिथम दे लेके सीडो कोड को फॉलो करके खुद कोड कर दें। बट इधर वे आप रन करके इनको टेस्ट जरूर करें अपने एंड पे बिफोर मूविंग। अच्छा अब इसका हम जरा एनालिसिस करते हैं। तो अगेन वही एज आवर प्रैक्टिस कंटिन्यूज, सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे इसकी, ठीक है, और फिर हम अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम वापस इधर आते हैं अपने स्यूडो कोड के ऊपर। इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? देखिए N0 भी बेस्ट केस सिनेरियो है, क्यों? क्योंकि हम इसको कवर कर रहे हैं इस कंडीशन को, फेल नहीं हो रहा प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम हमारा फेल नहीं हो रहा, इसका मतलब है दिस इज अ वैलिड इनपुट, तो उस सूरत में प्रिंट कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टिल दिस इज बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन अगर आप देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग, N=0 को आप कोई यूजफुल एनालिसिस तो कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? तो इस वजह से आप कहेंगे बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि N की वैल्यू कम से कम एक हो, ताकि पूरा प्रोग्राम एक इनपुट के लिए चले, ठीक। तो वहां हमारे पास बिल्कुल एक तरह से N की वो वैल्यू, मतलब पूरे प्रोग्राम को इवेल्युएट करने का कोई पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? N की कोई सी भी और वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें, तो कोई स्टूडेंट चार, कोई स्टूडेंट पांच सब्जेक्ट्स भी ले सकता है एक सेमेस्टर में, तो हो सकता है वो 4 हो सकता है वो 5 हो, बट इधर वे हम लोग देखेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। हम अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो भी इनपुट दे दिया वो 5 है। अच्छा अब यहाँ जहन में रखने वाली बात है कि यहाँ 5 नंबर फिक्स नहीं है, ये जो आई कितनी टाइम्स चलेगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, यूजर ने इनपुट क्या वैल्यू पास की है इस फंक्शन को कॉल करते हुए, ठीक है। तो दिस इज नाउ डिपेंडिंग ऑन एन, एन खुद एक वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये चलेगी 1 टाइम, ठीक है। इधर आ जाते हैं 1 टाइम, ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगी? अगर इनपुट आ रहा है 1, तो 1 टाइम रन होगी, सॉरी 2 टाइम्स रन होगी, ठीक है। अगर इनपुट 2 है तो 3 टाइम्स रन होगी, इनपुट 3 है तो 4 टाइम्स रन होगी, इनपुट एन है तो N+1 टाइम्स रन होगी, राइट? तो दिस इज N+1, जो भी एन की वैल्यू है उसमें आप एक ऐड कर दें, क्योंकि कंडीशन चेक होती है उसके बाद लूप एंड होता है ना, ठीक है। अगर ये N+1 टाइम्स चल रहा है तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये कितनी मरतबा रिपीट होंगी? जितनी मरतबा ये कंडीशन ट्रू है उतनी मरतबा रिपीट होंगी, जो कंडीशन है जितनी मरतबा ट्रू होगी उतनी मरतबा लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी, राइट? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये N टाइम्स चलेगा, ये स्टेटमेंट N टाइम्स चलेगी, ये स्टेटमेंट N टाइम्स चलेगी, लेकिन N टाइम्स एक कौन N टाइम्स चलेगी, लेकिन अब आप ये देखें N टाइम्स ये और N टाइम्स ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, हमने बीच में और गेट लगाया है, तो इसको मैं कहूंगा 2N। इसी तरह अगर हमारे पास मतलब सारे यूजर नंबर ऐसे एंटर करें जो 100 से ऊपर है, ठीक है, तो ये कंडीशन हर मरतबा वैलिड होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कह सकते हैं कि भाई इसको भी N टाइम्स चलना चाहिए, सही है। लेकिन अगर ये N टाइम्स चल रहा है तो इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं चल रही होगी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा।
अगर ये एंड टाइम्स चल रहा है तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है? दिस इज नॉट व्हाट आई व्हाट वी वांट। हम ये कहेंगे कि ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे हमें देखना है कि भाई जो जो रेगुलर सिनेरियो, यानी इसमें भी, इसके अंदर भी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ये सारी स्टेटमेंट सुन लो, ठीक है? तो इसको हम कंसीडर जरूर करेंगे, इसको हम एन जरूर कहेंगे, लेकिन साथ इसको भी कंसीडर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप, यानी दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक इफ है और उसका एक एल्स भी है, क्या ये पॉसिबल है कि इफ भी एंड टाइम्स चल जाए और एल्स भी एंड टाइम्स चल जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखें, अगर इफ एन इनपुट्स हैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये इफ की कंडीशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन चल रही हो, ठीक है? अगर ये रन हो रहा है तो जाहिर है अदरवाइज वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, अगर ये रन नहीं हो रहा तो अदरवाइज वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट रन होती है इफ की, यानी हमारे पास पहला सिनेरियो है कि सारी स्टेटमेंट्स यही वाली, यानी यूजर ने जितने भी इनपुट्स दिए हैं हर इनपुट में मार्क्स जो है 100 से ऊपर दिए, फेल फर्स्ट, तो उसका मतलब है अदरवाइज पे कभी हम जाना ही नहीं हमें। तो उस केस में हमारे पास 2n+n, दैट्स इट, सही है? अच्छा, लेकिन अगर यूजर ने एक मरतबा भी इनवैलिड वैल्यू नहीं दी, सारी वैल्यूज वैलिड है, तो फिर ये चलेगा कितने टाइम्स? एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखना है, इन दोनों केसेस में, एक ये केस है और एक ये केस है, इन दोनों में से आप किसको पिक करेंगे? देखें, ऑन एवरेज आपको पता है कि यही होगा, हो सकता है एक आध मतलब यूजर गलत इनपुट एंटर कर दे, बट अदर देन दैट मोस्टली प्रोग्राम यहाँ पे होगा, ठीक है? तो अब आपने इन दोनों में से एक को पिक करना है, लेकिन पिक किसको करना है ये अभी हम देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम अज्यूम करते हैं सारे इनपुट्स यूजर जो देगा वो दुरुस्त होगी, ठीक है? तो उस सूरत में ये कितनी मरतबा रन होगी? ये स्टेटमेंट एन टाइम्स रन होगी, ठीक है? अगर ये एन टाइम्स रन होती है तो उसके साथ ये भी एन टाइम्स रन होगी, राइट? तो हम कहेंगे कि ये 2n टाइम्स रन हो रही है, सही है? ये स्टेटमेंट कितनी मरतबा रन होगी? 2n, ठीक है? इसी तरह हम सारे स्टेटमेंट्स के आगे पहले लिख देते हैं 2n 2n, सही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सही? सबके आगे हमने लिख दिया 2n। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि ये अगर 2n मतबा रन हो रहा है तो उसके साथ ही ये भी 2n टाइम्स रन हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो एल्स में तो कहीं जाने ही नहीं है प्रोग्राम में। तो अगर ये 2n ट्रू होता है तो इनमें से कोई भी 2n एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर ये 2n ट्रू होता है तो इनमें से कोई भी 2n एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे आ गए, इसके केस में तो इजी है कि मार्क्स लेस देन 60 2n टाइम्स चलेगा, यू कैन इग्नोर ऑल ऑफ देम, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 2n, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट चली एन टाइम्स, ये स्टेटमेंट रन होगी फॉर फॉर एग्जाम्पल एक एक्टेशन के लिए ये स्टेटमेंट रन होगी, और अगर ये फॉल्स होते हैं तभी आएंगे ना हम लोग, तभी ये स्टेटमेंट रन होगी। इसका मतलब दूसरे केस में ये एन टाइम्स चल रही है और ये भी एन टाइम्स चल रही है, बाकी कोई स्टेटमेंट रन नहीं हो रही, ठीक है? सॉरी, ये एन टाइम्स चलेगी और ये 2n टाइम्स चलेगी ना, राइट? बिकॉज हम कह रहे हैं कि सारे अगर ग्रेड सी हैं स्टूडेंट के,
तो ये एन टाइम्स स्टेटमेंट चेक होगी, और ये टू एन टाइम्स क्यों चलेगी, एन फॉर दिस एंड अनदर एन फॉर राइट सी। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये भी अगर ट्रू नहीं होती तो फिर यूजर आ जाएगा थर्ड स्टेटमेंट में, ठीक है। इस थर्ड स्टेटमेंट के केस में क्या होगा, एन टाइम्स ये चली, एन टाइम्स ये रन हुई, एन टाइम्स ये रन हुई और एन टाइम्स ये रन हुई, तो ये हो गया एन प्लस टू एन। लेकिन हम लोग कहेंगे वर्स्ट के सिनेरियो पे आ जाते हैं, ये सारी कंडीशंस चेक हो गई एन टाइम्स, ये सारी कंडीशंस एन टाइम्स चेक हो गई और फाइनली यूजर आ गया एल्स के ऊपर, यानी सारे ए ग्रेड्स थे। तो ये इससे ज्यादा कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें इससे ज्यादा नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ठीक है भाई, इफ यू आर अज्यूमिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये सारी एन एन टाइम्स चलेंगे और ये जो है एल्स पे जाके एन टाइम्स कंडीशन चेक होगी और एन टाइम्स राइट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यस दिस अदरवाइज वाली वाला ब्लॉक इज कवर्ड। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करें, क्या ये ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, क्या ये ज्यादा टाइम ले रहा है वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो यू विल नो कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है, पहली बात तो अदरवाइज में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और दूसरी बात ये कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ये डिटरमिन करते हैं ना कि कौन से स्टेटमेंट सबसे ज्यादा रन हो सकती है इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये वाली स्टेटमेंट है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें इन सबको प्लस करना पड़ेगा, मीन्स इस पूरे ब्लॉक को सम करेंगे कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8n, और इसको अगर हम देखते हैं तो ये 3n है टोटल। तो हम इन दोनों में से एक को पिक करेंगे, विच विल बी दिस 8n, बिकॉज दिस इज टेलिंग मी आइदर पिक दिस वन और पिक दिस वन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो माइट मिस अगर से नॉट फोकसिंग। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया इस ब्लॉक को, क्योंकि हमने सारे अपने एनालिसिस इससे ज्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ब्लॉक था उसके ऊपर किया, ठीक है। तो अब हम सारे जो काउंट कर चुके हैं स्टेटमेंट्स, लेट्स गो अहेड। और अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, मैंने रिमूव तो कर दिया, मैंने इस टू एन को गलत रिमूव किया, ये वाला जो एन चल रहा है ना वो नहीं रन होगा, क्योंकि दो मतलब कंडीशंस तो पैरेलल चेक होनी ही होनी है ना, तो इसके अंदर जो लिखा है वो हम काउंट ऐड नहीं कर रहे बस, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये किया, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट थे हमने ऐड नहीं किए, हमने सिर्फ एल्स के अंदर जाके ऐड किए एन टाइम्स, ठीक। तो अब इसको हम देख लेते हैं, सम अप करते हैं कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू एन प्लस 8n, तो इन टोटल हो गया 12n प्लस 2, ठीक है। इसमें कम्स p ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 2n+2, देन अपर बाउंड, जाहिर हम डोमिनेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट 12 है और यू हैव n, तो c.n कांस्टेंट हम लिखे ना लिखे यही बात है, सो आई जस्ट से बिग ऑफ सी। इसके एनालिसिस में जो एक और हमने आप कह सकते हैं प्रिसाइज स्टेप ऐड किया, ये कि इफ एल्स को किस तरह से असेस करते हैं। लेकिन मैं साथ ये भी बताता चलूँ यहाँ पे कि इतनी ज्यादा प्रिसीशन में आप ना भी जाए, ठीक है, तब भी शॉर्टकट ये कि आप
कितनी स्टेटमेंट्स हैं एक इफ के ब्लॉक के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6। तो कम अज कम अगर आपको हर एक काउंट नहीं करनी तो यहाँ पे 6 एंड लिख दें, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ 6 एंड लिखा हुआ है, वो जाहिर है टोटल तो नहीं होगा, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 12 एंड की जगह 8 एंड आ रहा होगा, विच इज फाइन, दैट इज फाइन, क्योंकि हम जब भी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम एक क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, तो आपका आंसर उस सूरत में भी सही होगा, बहुत बस बहुत ज्यादा एक्यूरेटली। तो यहाँ हम थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेसी को हमने टारगेट किया था, लेकिन आप इन लेंथी केसेस ये शॉर्टकट ले सकते हैं, दिस इज अलाउड इन एल्गोरिथमिक एनालिसिस। अच्छा, इस प्रोग्राम में आपको पता फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर एन का तो कैलकुलेट कैसे होगा? प्रोडक्ट ओवर एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री ऑल द वे टू, ठीक है। यानी अगर मैंने 5 इनपुट किया है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा, यहाँ पे ये जहन में रखना जरूरी है कि कंफ्यूजन ना हो, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी फैक्टोरियल होगी, अभी हम देखेंगे आगे। सो लेट्स गो ऑन, और पहले हम लिखते हैं सर सीधो कोड, सीधो कोड फंक्शन का हम नाम रख देते हैं कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर, अपने इनपुट लेना है। तो सी फंक्शन के अंदर हम पहला स्टेप कहेंगे इनपुट नंबर, ठीक है, नंबर इनपुट ले लिया। फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, आपके सामने ही है। अगर मैंने 5 एंटर किया है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, अगर 7 एंटर किया तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हमारे पास एक लूप रन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम या हम इसे कह देते हैं नंबर -1, ठीक है। एक काउंटर है जो नंबर -1 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी नंबर आपने इनपुट किया, ठीक। अब इसको हम रन करेंगे, लूप करेंगे कहाँ तक, मोबाइल आई इज ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमें लूप चलाना है, हमने 5 इनपुट दिया तो ये i4 हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, तो जब तक i ग्रेटर देन 1 है वी रन इट, और इसमें हमें एक्चुअली डिक्रीमेंट करना होगा i-1। अच्छा, और फैक्टोरियल हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, वो भी ले लेते हैं, सेट फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने कह दिया जो भी नंबर इनपुट लिया था फैक्टोरियल बन गया, लेकिन 5 था तो 5 हो गया। तो सबसे पहले इटरेशन में 5 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये कह सकते हैं फैक्टोरियल इज टू फैक्टोरियल एंड आई, ठीक है। इस तरह से फाइनली जब ये लूप एंड होगा मेरे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैं कर दूंगा राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम, इसका हम कोड भी देख लेते हैं अगेन, जैसे एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, इसका कोड भी उतना ही सिंपल है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास सोर्स कोड आ गया इसका, एंटर नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर के इनपुट किया, और आई एम ने क्यू फॉर्म किया 2 से लेके नंबर तक के, ये बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं। तो आप आई को नंबर -1 से स्टार्ट करके 2 तक चला रहे हैं, या 2 से स्टार्ट करके नंबर -1 तक चला लें, एक ही बात, ठीक है।
एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी हम ये काम कर सकते हैं, कहीं पे नंबर माइनस वन गैस इंटर देन वन, इधर वे दोनों सूरतों में हमारा प्रोग्राम सही रन होना चाहिए। आते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर, तो इसमें जो वाहिद कंफ्यूजन पॉसिबल थी वो ये थी कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टोरियल हो जाती है, यानी कि अगर हमने कहा है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो हो सक लाजमन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है अपर बाउंड ऑफ फैक्टोरियल होगा, यानी वही थोड़ा फैक्टोरियल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं है। ये स्टेटमेंट है वन टाइम वन देन वन, ठीक है, ये कितनी मरतबा चलेगी, ये स्टेटमेंट आई शुरू हुआ नंबर माइनस वन से, तो जो भी हमने नंबर इनपुट किया था एन, इसको हम एन कह देते हैं यार, नंबर कह दें एक ही बात है, चलिए इससे कंफ्यूजन ना हो, तो हम कहेंगे ये चलेगा काम तक नंबर माइनस वन टाइम्स, क्यों, क्योंकि ये नंबर माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही वो वन पे पहुंचेगा, एक्चुअली नंबर माइनस टू टाइम्स है, नॉट इवन वन टाइम्स, तो नंबर की जगह हम एन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू एन कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, ये चलेगा एन माइनस टू टाइम्स, तो ये कितनी मरतबा चलेगा, एन माइनस थ्री टाइम्स, एन माइनस थ्री टाइम्स, बिकॉज देखिए अगर मैंने फाइव इनपुट किया तो आई की वैल्यू हो गई फोर, तो फोर थ्री टू एंड वन, चार मरतबा रन हुए, तो सॉरी इसका मतलब है एन माइनस वन है एंड ये एन माइनस टू, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि कंडीशन चेक होना अलग है और कंडी लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना अलग है, वो एक टाइम कम ही चलेगा, ठीक है, दैट्स हाउ व्हाई वी हैव दिस। अब देखेंगे हमारे पास टोटल टाइम कितना कैलकुलेट होगा, टाइम कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन सबको हम टर्म्स को ऐड कर लेंगे, वन प्लस वन प्लस वन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, अच्छा दिस इज टू एन टू इंटू एन माइनस टू प्लस वन, ये हो गया हमारे पास फोर माइनस वन, तो एन प्लस थ्री प्लस टू एन माइनस फोर गिव्स अस व्हाट, थ्री एन माइनस वन, तो टोटल हमारा जो टाइम लगेगा फैक्टोरियल निकालने में विच विल दैट विल बी थ्री एन माइनस वन, ये हमारा टाइम आ गया फॉर एनी इनपुट एन, ठीक। अब सेट सेकंड हमारे पास अपर बाउंड है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर बाउंड हमारे पास क्या आएगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है और एक हमारे पास विद वेरिएबल एन। अच्छा दो रीजंस हैं ये जो कॉन्स्टेंट हम काउंट नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म क्यों नहीं हो सकती, पहला रीजन तो ये है कि ये कॉन्स्टेंट है और इससे बड़ी डोमिनेंट टर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है थ्री एन, सेकेंड टर्म है माइनस वन, पहला रीजन तो ये है कि हम बड़ी टर्म लेंगे हमेशा जिसकी ग्रोथ ज्यादा है, दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे माइनस वन है, तो ये जो कॉन्स्टेंट है वन ये डिटर्मिन नहीं करा कितनी बार एग्जीक्यूशन होगी, ये बता रहे कि इस नंबर से इतनी एग्जीक्यूशन में से कितनी कम होगी, तो माइनस वाली टर्म हम कभी भी नहीं उठाते, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा कोई भी मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली वो पॉजिटिव में होता है, तो बिग ऑफ हम कहेंगे थ्री एन, अच्छा थ्री कॉन्स्टेंट है
और हमारे पास जो स्टैंडर्ड ग्रोथ फंक्शंस हैं उसमें अगर आप देखें तो सी डॉट एन होता है ना, तो हम कॉन्स्टेंट लिखें ना लिखें सेम थिंग, उसको इग्नोर कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स, इसका साइन में जरा सही वाला है वो, हाँ बिग ऑफ एन, ये हो गया हमारा अपर बाउंड इस एल्गोरिथम का, फैक्टोरियल का. सो यू सी, जिसमें और करने वाली बात थी कि प्रोग्राम हमारा फैक्टोरियल का है लेकिन उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही ये फैक्टोरियल नहीं. तो सिर्फ ये समझ के प्रोग्राम का नाम ये लिखा हुआ है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या सेम होगी, नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ. और अब हम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली, आगे बढ़ने से पहले कुछ इसकी एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ जो आप खुद फॉर प्रैक्टिस करें, इनके एल्गोरिथम्स लिखें, कोड लिखें, टेस्ट करें उसे और एनालिसिस करें. ये सारे आपके पास ऑर्डर ऑफ एन की प्रोग्राम्स हैं. तो एक प्रोग्राम हम कहेंगे प्रोग्राम विच प्रिंट्स द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100. ठीक है, एक तो ये कर दें प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेक्स अ नंबर एज पैरामीटर एंड प्रिंट्स इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 20. ठीक है, तो आपने मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करवाना है इस प्रोग्राम में. और आई थिंक ये दो प्रोग्राम्स काफी होंगे फॉर, एक्चुअली एक और भी प्रोग्राम है वो भी बहुत कॉमन है, प्रोग्राम विच जेनरेट्स फिबोनाची नंबर सीरीज फ्रॉम 1 to n. ठीक है, n आपने पैरामीटर से एक से लेके वो n जो भी नंबर है वहां तक फिबोनाची सीरीज हमने प्रिंट करनी है. तो यहाँ पे n नंबर ऑफ फिबोनाची मतलब सीरीज की लेंथ नहीं है, n n आपने अपर लिमिट दे दी, फॉर एग्जाम्पल 1000 दे दी, तो 1000 के अंदर अंदर जितने भी फिबोनाची नंबर्स आते हैं वो आपने प्रिंट करवाने, ये नहीं कि 1000 फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करवाए. ठीक है,